How many of us have such fancy containers in our kitchen? Well, not all. पर ऐसे वाले स्टील के कंटेनर्स आपको हर किचन में दिखेंगे. आई एम श्योर आपके किचन के किसी ना किसी शेल्फ में ये जरूर रखे होंगे. तो चलो इट्स टाइम टू टेक देम आउट एंड डिस्प्ले देम. हाय नमस्ते, मेरा नाम है पद्मजा एंड आई वेलकम यू ऑल विद अ वेरी वार्म हार्ट. मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी इन्हीं स्टील के कंटेनर्स को हम कैसे नया लुक दे सकते हैं. तीन अलग तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा. चलिए फटाफट शुरू करते हैं. सो दिस इज द स्टील कंटेनर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ. इसको मैंने कुछ महीने पहले अमेजोन से खरीदा था. इसको हम करेंगे स्प्रे पेंट. स्प्रे पेंट करने से पहले हम इसको मास्किंग टेप से ऊपर से सिक्योर कर लेंगे. स्प्रे पेंट करते हुए मेक श्योर आप थोड़े डिस्टेंस से स्प्रे करें फॉर इवन फिनिश. पेंट जब पूरी तरह से सूख गया तो मैंने अक्रेलिक कलर से इसके ऊपर पेंटिंग करी है. मैं इसको रेगुलरली यूज़ करूँगी तो मैं इस पे दूंगी एक वार्निश का कोट. अगर आप ओकेजनली यूज़ करेंगे, डिस्प्ले के लिए यूज़ करेंगे, तो यू कैन जस्ट स्किप वार्निश. नाउ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग. जो ये मेरे पास कंटेनर है ये काफी पुराना है. इसका आप देख सकते हैं पेंट चिप हो गया है और टी शुगर का प्रिंट भी बिल्कुल फेड हो गया है. तो हम फेविक्रिल आउटलाइनर से इसको एम्बोस करेंगे इस तरह से. के बाद मैंने कर दिया इस पे स्प्रे पेंट. स्प्रे पेंट करने से जो आउटलाइनर से हमने डिजाइन करा है वो बिल्कुल स्टैंड आउट हो रहा है. और टिंट ऑफ गोल्डन पेंट को मैंने उंगली पे रख के बस इसको डैप किया है शुगर और टी वाले पोर्शन पे. And this is how very easily our second container is ready. ये third container भी मेरा काफी पुराना है. इस पे मैं acrylic paint करूंगी. Acrylic paint को sponge पे लेके थोड़ा dab करके इसको overall हम paint करेंगे.
वंस द पेंट इज ड्राई इस पे मैंने मार्कर पेन से और एक्रेलिक कलर से कुछ डिजाइन बनाया है. और इसी कंटेनर के पीछे की तरफ मैंने लिखा जॉय. मैंने पेंसिल से पहले इसको लिख लिया है ताकि कोई मिस्टेक ना हो और हो तब भी करेक्शन हो सके. We are done with this and this was it to the video. Agar aapko video pasand aaya please subscribe to the channel and don't forget to hit the like button. I'll see you again very soon. Bye.